सो हेलो, वेलकम गाइस न्यू और अमेजिंग वीडियो में आप सभी का वेलकम है। ये आप सभी का इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर सेकेंड है, जिसमें मैं आप सभी को पार्ट फर्स्ट में टेंस बताया था, टेंस का टाइप्स बताया था कितने टाइप्स के होते हैं, और प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस का रूल सब चीज़ बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ये सेकेंड पार्ट है। सो अभी ये हम सभी का पार्ट नंबर सेकेंड, इसमें हम सभी को पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम सभी को पढ़ना है पहचान, कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया है हम सभी कैसे उसको पहचानेंगे कि उसका वो क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है या फिर कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले इसका पहचान क्या है, जब क्रिया के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो सबसे मेन जो है इसका पहचान, कि जो इसमें जो आपको सेंटेंस दिया रहेगा वो उस समय प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा होगा। तो ये जो है इस टेंस का, इसका सबसे बहुत बड़ा ये पहचान है कि इसके क्रिया के अंत में रही है, ये सब तो आएगा। उसके साथ साथ इस टेंस का जो वाक्य रहेगा वो प्रेजेंट टाइम में उसमें कार्य हो रहा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको हम सभी कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट इज एम आर, आप सभी का सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से इज एम आर हम सभी लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और उसके साथ साथ अगर निगेटिव रहता है तो नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब जो आपका रहेगा, मेन जो वर्ब रहेगा, क्रिया रहेगा, उसके साथ आई एन जी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, इसको भी आप सभी अच्छे से समझ लीजिए, स्ट्रक्चर ही मेन होता है। स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आप अच्छे से बना लें। अभी देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, तुम अपना कार्य कर रहे हो, तुम अपना कार्य क्या कर रहे हो, कर रहे हो। तो सबसे पहले हम सभी को क्या करना है, स्ट्रक्चर से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम सभी लिखेंगे यू, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हो जाएगा यू। अब उसके बाद यू क्या है, फर्स्ट पर मीन सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप यहाँ पे जानते हैं प्लूरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर, इज एम आर हमने लगा दिया, आई के साथ एम लगता है और ही सी इड के साथ इज लगता है, और जो भी प्लूरल आते हैं उसके साथ यहाँ पे प्लूरल नंबर के साथ यहाँ पे आते हैं आर लगता है, तो यू आर। अब उसके बाद क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कार्य कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कार्य करना का क्या हो जाता है, वर्क, और आई एन जी, वर्क हमारा क्या है इसमें, क्रिया है, और उसके बाद आई एन जी इसमें कर देंगे ऐड, तो वर्किंग। अब क्या हो जाएगा, अपना कार, अपना कार यू के साथ क्या लगता है, योर लगता है अपने के लिए, और कार्य के लिए हम सभी क्या कर देंगे, वर्क, यू आर वर्किंग योर वर्क, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अभी मैं सेकेंड एग्जाम्पल आप सभी को दिखाता हूँ, जिसमें मैंने आप सभी को नोट जो है वो निगेटिव सेंटेंस का बताया कि निगेटिव सेंटेंस को आप सभी कैसे बनाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर वही है, नॉट हो जाएगा, लग जाएगा। अब देखिए जैसे है, कुत्ता नहीं भौंक रहा है, तो कुत्ता का सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है, कुत्ता तो डॉग लिख दिए हमने, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कुत्ता नहीं भौंक रहा है, उसके बाद हम सिर्फ क्या लिखें, इज एम आर प्लस नॉट, तो डॉग हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगाएंगे और इसके साथ साथ हम सभी को क्या लगाएंगे, नॉट, इज एम आर के साथ नॉट लगाना है, तो डॉग इज नॉट। अब उसके बाद आगे क्या लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेन वर्ब प्लस आई एन जी। अब मेन वर्ब आप सभी का क्या है, भौंकना, भौंकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्क, तो बार्क हो गया और आई एन जी लगा दिया हमने, ये हम सभी का सेंटेंस बन गया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये दोनों सेंटेंस अच्छी तरीके से बन गया। अब इसका जो हमने अफर्मेटिव बता दिया, निगेटिव बता दिया, अब चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसको हम सभी कैसे बनाएंगे। अभी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका हम कैसे बनाएंगे, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले नियम क्या है इसमें बनाने का, इस प्रकार के वाक्यों में प्रारंभ में कर्ता के अनुसार इज एम आर लिखते हैं। तो अगर जैसे दो टाइप्स का होता है, मैंने आप सभी को पहले से ही बता दिया है, सबसे पहले जो एसनो टाइप वाले और जो क्वेश्चन वाले, पहले जो क्वेश्चन, जिस सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन क्वेश्चन मार्क आता है, मीन यहाँ पे सबसे पहले क्या क्यों कैसे आता है, तो वो एक अलग टाइप का हो जाता है, और सेकेंड
आ जाता है जिसमें आप सभी को यस नो टाइप में आंसर देना रहता है, तो वो अलग से आ जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका जो होता है दो टाइप्स का होता है, दोनों के लिए नियम यही होता है कि जिसमें आप सभी का क्या क्यों कैसे सबसे पहले रहता है, तो उसका सबसे पहले हम सभी को उसके जगह पर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ग लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ग इज ए मार्क सब्जेक्ट के हिसाब से, आप सभी का सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज, और आई रहेगा तो एम, एंड आर रहेगा प्लूरल के साथ। उसके बाद सेकेंड इसमें रूल क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य शब्द हो तो उसके सबसे पहले लिखते हैं। मतलब अगर कोई वाई और आपका जैसे बीच में अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आता है, जैसे ये सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया, यहाँ कौन रो रहा है, तो इसमें देखिए बीच में आया हुआ है, तो हम इसको बनाते समय क्या करेंगे, कौन का जो जो मीनिंग है वो सबसे पहले कौन को ही लिखेंगे, कौन वर्ड को हम सभी सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम है, कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने आपको जो बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव का बताया था, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस उसमें क्या हो जाएगा इज एम आर है, तो इसमें इज एम आर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में उसमें क्या था, डू या डज था, और नॉट रहेगा तो नॉट भी आप लगा देंगे बीच में जैसे स्ट्रक्चर रहता है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, स्ट्रक्चर से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए लिखा है, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, इसको सबसे पहले हम सभी एग्जाम्पल देखें, इसमें देखिए ये कौन सा है, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, ये सबसे पहले यस नो टाइप वाला है यहाँ पे, कि क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, तो आप यस या नो में इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम सभी क्या की इंग्लिश के जगह हम सभी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सभी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम सभी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सभी लिख देंगे इज, उसके बाद हम सभी को क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। पहले हम सभी हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, उसके बाद हमने लिख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम सभी को क्या लिखना रहता है, उसके बाद हम सभी को वर्ब लिखना रहता है, और उसमें आई एन जी, वर्ब हमारा क्या है, प्ले, उसमें हमने आई एन जी जोड़ दिया, प्लेइंग हो गया। अब उसके बाद हम सभी को क्या लिखना है, अदर वर्ड लिखना है, अदर वर्ड में हमारा क्या बचा है, हॉकी, एच ओ सी के ई वाई, हॉकी, ये सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। अभी देखिए इसका सेकंड टाइप का जो होता है उसका मैं आपको बता दी, ये तो फर्स्ट टाइप का था जो क्वेश्चन वर्ड आता है, सेकंड टाइप का ये क्वेश्चन वर्ड आता है जिनमें जो क्या क्यों कैसे ये सब मिडिल में रहते हैं, बीच में रहते हैं सेंटेंस। जैसे यहाँ कौन रो रहा है, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताना होगा कि यहाँ पे कौन रो रहा है, कौन नहीं रो रहा है। तो कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम सभी कौन का इंग्लिश लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड जो भी रहेगा तो उसके जगह हम सभी उसका, जैसे कौन का इंग्लिश हो गया हु, अभी जैसे वहाँ पे कैसे होता तो वहाँ पे हाउ लिख देते आप, तो जो भी प्रश्नवाचक वाक शब्द रहेगा उसका हम सभी को सबसे पहले इंग्लिश लिखना होगा, तो यहाँ पे लिख दिए हु। अब उसके बाद हम सभी को क्या लिखना है, इसका जब हम सभी को हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब जो हो गया वो क्या हो जाएगा, इसका इज हो जाएगा, हु इज। अब उसके बाद हम सभी को क्या लिखना है, कौन रो रहा है, वहाँ पे क्या रहा है कि कौन रो रहा है, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा हु इज यहाँ पे आगे का। सो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, जो यहाँ पे कौन का इंग्लिश था उसको लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, उसके बाद हम सभी को हेल्पिंग जो था वो भी लिख दिया, उसके बाद हम सभी को क्या लिखना रहता है, अब हम सभी को लिखना है यहाँ पर कि वो क्या कर रहा है, तो वहाँ पे रो रहा है, तो उसके लिए हम सभी को यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है, वीप, वीप मीन रोना, अब आई एन जी जोड़ना है उसमें, तो यहाँ पे वीपिंग हो गया। अब उसके बाद यहाँ का भी तो इंग्लिश लिखना है, वीपिंग हियर, तो ऐसे हमने कंप्लीट कर लिया, इस सेंटेंस को भी बना लिया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का था, ये सेकंड टाइप का था, दोनों टाइप को मैंने आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझा दिया। तो मैं फिर से एक बार फास्ट रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है वो कल आप सभी को मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट थर्ड आएगा, उसमें आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंडिफिनिट निगेटिव आप सभी का जो रहता है उसमें अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सबका रूल सब मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आप सभी को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बता दिया था, टेंस में मैंने सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में टेंस बताया था, उसके बाद कितने टाइप्स थे वो बता दिए थे, उसके बाद प्रेजेंट टेंस में मैंने आप सभी को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बता दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस वीडियो में बता दिया, सब रूल बता दिया उसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया, उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव का भी बता दिया है मैंने आप सभी को। और इसका जो थर्ड पार्ट आएगा वो कल आप सभी को मिल जाएगा, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो भी रूल है, रेगुलेशन है, और जो भी उसका नियम है, उसका जो भी अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव का है, सब आप सभी को नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा।
तो पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो आप सभी देख लीजिएगा, उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई थी। स्टार्टिंग से चल रहा है आप सभी का इंग्लिश ग्रामर में टेंस, इसके बाद आप सभी को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बताया जाएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया जाएगा, और भी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो बताया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।